Hello student, how are you? I hope everyone are fine. I am Gautam sir from Focus Academy. Today I discuss again current electricity for class 10. मैं आप लोगों को continue और भी question करना चाहते हैं तो मैं उसको अभी फिर से शुरू कर रहे हैं. आप लोग पिछले वीडियो भी जरूर देखिए, उसके साथ साथ में हमने डिपेंडेंट क्वेश्चंस आपको रेगुलर डालते जाएंगे. देखो अभी जो है क्वेश्चंस कैसे मैं आपको बताता हूं. क्वेश्चन वन, ये एमीटर, ये सेल, पॉजिटिव नेगेटिव, थ्री आइडेंटिकल रजिस्टर, थ्री आइडेंटिकल रजिस्टर आर कनेक्टेड आर पैरेलल. एमीटर पॉजिटिव नेगेटिव राइट. ये स्विच के थ्री आइडेंटिकल रेजिस्टेंस रजिस्टर, सो थ्री आइडेंटिकल रजिस्टर are connected in parallel when switch K open the ammeter reads 0.6 ampere. What will be the ammeter reading when the switch is closed? When the switch is closed, तो हमने assume कर लेते हैं तीनों का रजिस्टर I है, रेजिस्टेंस. तो जब इसमें बोला है आइडेंटिकल रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन स्विच के इज ओपन, तो इसमें थ्रू करंट नहीं आएगा, तो बाकी इन दोनों में करंट जाएगा, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वन बाई, मतलब इन दोनों में करंट जाएगा, यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, बाकी दोनों में करंट जाएगा, ये सर्किट कंप्लीट रहेगा. दैट इज 2/R, तो R इज इक्वल टू R/2. फिर हमने V इज इक्वल टू IR कर देते हैं, तो वोल्टेज आप निकल जाएगा 0.6 इंटू R/2, 0.3R. व्हेन 3R फीज key are open close, then current passing through also this circuit, in that time equivalent resistance 1/R, 1/R + 1/R, parallel combination 3/R. So R is equal to R/3, parallel में voltage same, तो V is equal to IR, voltage remain same 0.3R, you already find resistance R/3, RR cancel, 0.9 ampere is equal to current, okay? But ये multiple choice questions होते हैं, तीनों का resistance equally
करंट स्प्लिट हो जाते हैं तो आपको 0.9 ही लिख देते हैं, 0.6 थे तो 0.3, 0.3, 0.3 होते हैं। ओके नाउ नोट करो, नेक्स्ट पॉज करे कर लेना। सिक्स ओम, ये 6 ओम और बैटरी 6 वोल्ट और इन्हें ऐसा पास कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर व्हेन की के वन इज क्लोज एंड के टू इज ओपन। बोथ कीज K1 and K2 are closed. K1 and K2 are closed. आप देखो, बोले keys K1 is closed and K2 is open. कारण क्या होगा, यहां से डायरेक्ट ऐसे जाएगा तो अब ये दोनों सीरीज हो जाएगा बस, है ना। फर्स्ट फेज में ये इसके थ्रू कारेंट नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे जा रहे कि यहाँ से इधर आ रहे हैं तो पूरा कारेंट इसके थ्रू पास करेगा। तो इसका मतलब अब सीरीज फर्स्ट केस K2 इज ओपन सो दे आर फोर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6+6। ओके ओनली दिस टू आर ओपन, दिस टू ध्यान रखना मैं बता रहा हूँ, दिस टू आर ओपन 12 ओम V इज इक्वल टू आई आर बी 6 R 12 1/2 6/12 0.5 एम्पियर करेंट शोन होगा। बोथ कीज K1 K2 आर क्लोज तो इसका मतलब करेंट इन दोनों से जाएगा। तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, R इक्वल टू 3 होगा। अब ये R 3 और ये दोनों क्या होगा, सीरीज सर्किट हो जाएगा। R इक्विवेलेंट 9 ओम, फिर V इक्वल टू आई आर सो 3 2 6 3 3 9 आर आई इक्वल टू 2/3 एम्पियर करेंट सो होगा। दैट इज मीन 6-7 अप्रोक्स। ओके सो करो, समझ आया सबको, नहीं समझ में आता बताना, इसको बार बार वीडियो को देखते रहो फिर समझ जाओगे, ठीक है। बार बार वीडियो को देखते रहो।
noted. Next question 3. Why? Yes, I'm here. X, Y, and Z ammeter. Yeah, we 6 ohm, 3 ohm, 2 ohm, or yes, so kar rahe hain 0.5 ampere. X, Y, Z are ammeter. Are ammeter. Are Y reading up or so? What are the reading in ammeter? X and Z. What is the total resistance of the circuit? Very acha question hai, bahut important, very important questions. Ab isko dekho, X, Y, Z tino ammeter. So what are the reading in ammeter X and Z. X and Z की ammeter की reading बताना है और आपको क्या करना है और what is the total resistance of the circuit. अच्छा आप देखो ये दोनों जो resistor है दोनों parallel है, इसमें current दे दिया तो सबसे पहले आप इसकी voltage निकाल सकते हैं. इसका voltage आ गया तो इसकी voltage भी parallel में same होते हैं. जब इसकी voltage निकल गया अब इसकी current निकाल सकते हैं. इन दोनों current की जो total sum होगा कोई करंट क्या होगा यहाँ से जाएगा और ये एमीटर रीडिंग देगा, टोटल रीडिंग यहाँ से आएगा. ठीक है, इसको आप ट्राई करो. देखो फर्स्ट जो है ये सर्किट के अंदर पोटेंशियल V इक्वल टू I इनटू R 0.5 × 6 3 एम्पियर. तो 3 एम्पियर करंट यहाँ पे शो हो रहे हैं कौन इसके अंदर. अब लिखेंगे सिंस 6 ओम एंड 3 ओम आर पैरेलल सो देयरफॉर पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू V2. इसका जो V1 होगा 6 × 0.5 और इसका जो V2 होगा है ना 3 × I2. तो इसका V1 आपने निकाला 3 वोल्ट. ठीक है, 3 वोल्ट निकाला और यहाँ पे हमने एम्पियर लिख दिया था. सॉरी इसके लिए आप लोग भी ध्यान रखना. तो V इक्वल टू IR तो वोल्टेज आ गया. अब इसकी पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो इसमें जब वोल्टेज सेम होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इन्हें पैरेलल वोल्टेज सेम तो V2 इज इक्वल टू 6. V2 को क्या लिख सकते हैं I × R2 इज इक्वल टू 6 I1 है ना, बाय I2 ले लेते हैं. R2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 6 तो I2 इज इक्वल टू 6/3 2. ओके,
इसका थ्री था ना, सॉरी सॉरी, थ्री था, थ्री। रुको, वी टू इक्वल टू आई टू इंटू आर टू, वी टू थ्री है, आई टू आपको निकालना है, आर टू थ्री, तो 1 एम्पियर करंट यहाँ पे शो हो रहा है। आई टू टोटल करंट बोलेगा तो इन दोनों का सम होगा, टोटल करंट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ये 0.5 प्लस 1.5 एम्पियर, दिस इज टोटल करंट आ गया। एक्स एंड जेड में करंट निकल गया, तो एक्स के अंदर करंट कितना शो कर रहे हैं, है ना, एमीटर एक्स रीड्स 1.5 एम्पियर, एमीटर जेड रीड 1 एम्पियर, ओके 1 एम्पियर रीडिंग जेड। उसके बाद बोले व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, जब टोटल करंट निकल गया है ना, और आपने निकाल सकते हैं तो कैसे निकालोगे, बिकॉज टोटल वोल्टेज फिर क्या होगा, अब इसके बारे में सोच के देखो टोटल वोल्टेज क्या होगा। लेकिन 6 ओम और 3 ओम यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल है, और 2 ओम इसका क्या हो गया, सीरीज में है, तो दोनों को पैरेलल के साथ सीरीज में करके टोटल क्या होगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हमें, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है, 1/6, 1/3 इज इक्वल टू 1/r, तो 1/r इज इक्वल टू 6 एलसीएम, 3/6, 1/2, तो r इज इक्वल टू 2 ओम, अब देयरफॉर इक्विवेलेंट r इक्विवेलेंट सीरीज में 2 प्लस 2 4 ओम, ओके दैट इज टोटल रेजिस्टेंस। हेलो बटाबाट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन नोटेड, टू वोल्ट है, टू वोल्ट 30 ओम, 30 ओम, 30 ओम, राइट। आप देखो करंट जो है यहां से आया, यहां से आया और इधर से आया, ये दोनों फिर पैरेलल है, और यही करंट देखो यहां से कोई स्प्लिट तो नहीं हुआ, ध्यान से देखो ये एसी एंड बीसी में देखो ये सीरीज हो गया ना, करंट यहां से स्प्लिट हो गया और ये करंट इधर आ जाते हैं, ये करंट इधर आ जाते हैं, फिर ये करंट और ये करंट सीरीज में हो गया, सेम करंट होते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट आर इन द सर्किट, फाइंड करंट आर, एसी एंड बीसी आर सीरीज, सो दे आर फोर आर इज इक्वल टू 30 प्लस 30, 60 ओम, R1, तो R1 ये 30 का साथ क्या हो गया, पैरेलल है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/30, 1/60 एलसीएम 60, 1/20, 3/60 means 1/20, तो R इज इक्वल टू 20 ओम आ गया।
अब आपको बी इज इक्वल टू आई आर कर देते हैं, ठीक है, बी इज इक्वल टू आई आर वी टू आर 22/21/10 0.1 एम्पियर करंट, ठीक है, 0.1 एम्पियर शो करेगा। मैं अभी दे रहा हूं, ओके डन। नोटेड, नेक्स्ट वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच यूनिफॉर्मली टू डबल इट्स लेंथ फॉर विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम स्ट्रेच यूनिफॉर्मली डबल ऑफ इट्स लेंथ, तो व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। नाउ लेंथ डबल, लेंथ इज इक्वल टू डबल, एरिया क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो हाफ। एरिया क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो हाफ, सो एरिया क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो हाफ, तो न्यू रेजिस्टेंस रो एल डैश बाई ए डैश 12/a/2, तो 4 टाइम्स ऑफ रो एल बाई ए, दिस इज इक्वल टू आर। And 4 times of R is 4, that is 16 ohm। Okay, ये important question था। ठीक है, इसको करते रहिए और आगे और भी क्वेश्चन देंगे आपके लिए। आज इतना ज्यादा इनाफ है। ओके बाय एवरीवन।